नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे ही चैनल में। तो चलिए हम लोग पूरे देश भर में कैसा मौसम रहने वाला है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कल यानी 12 मई को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश इसके कुछ कुछ इलाकों में मतलब एक दो जगहों पे हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। बाकी सब इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन्स हो सकती है। ज़्यादातर इलाकों में लाइट रेन्स ही होने की संभावना है। अगर हम लोग ईस्ट इंडिया के बारे में देखेंगे तो ईस्ट इंडिया में भी लाइट रेनफॉल होने की पूरी संभावना है। कोलकाता में भी लाइट रेनफॉल हो सकती है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ। यहाँ पर टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स भी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम लोग नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे आएंगे तो यहाँ पर एक राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन मौजूद है और WD जो जम्मू कश्मीर के ऊपर जो था वो थोड़ा आगे बढ़ चुका है। इसकी वजह से यहाँ पर रेनफॉल एक्टिविटी में थोड़ी कमी आएगी। कल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश इन इलाकों में अच्छी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिली। यहाँ पर कई कई इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी मापी गई। मतलब पंजाब में अमृतसर, यूपी में इलाहाबाद, गोरखपुर, आगरा इन सभी इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड रिकॉर्ड की गई। अगर हम लोग कल के बारे में देखेंगे तो कल यहाँ पर लाइट रेनफॉल की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। दिल्ली में भी टेम्परेचर 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है पार्टली क्लाउडी कंडीशंस के साथ। अगर हम लोग सेंट्रल इंडिया के बारे में देखेंगे तो सेंट्रल इंडिया के ज़्यादातर इलाके का मौसम शुष्क बना रहेगा। यहाँ पर रेनफॉल एक्टिविटी नहीं होगी, पर कुछ कुछ इलाकों में रेनफॉल एक्टिविटी होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में लाइट रेन हो सकती है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ। एक दो जगहों पर हेल स्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकती है। महाराष्ट्र में पूरा मौसम शुष्क रहेगा। मुंबई में भी मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ पर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रेंज में रिकॉर्ड किया जाएगा। गर्मी और उमस भरी रहेगी पूरा दिन। साउथ इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे तो साउथ इंडिया में कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक और केरला में लाइट टू मॉडरेट रेन्स कंटिन्यू करेंगी कल भी, जिसकी वजह एक लाइन ऑफ विंड डिसकंटिन्यूटी जिसकी वजह से यहाँ पर ही वेदर एक्टिविटीज हो रही है रेनफॉल के माध्यम से। यहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ भी हो सकती है। आंध्र प्रदेश में ज़्यादा इलाके शुष्क बने रहेंगे। अगर हम लोग इधर एक सुमात्रा के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो मौजूद है वो 13th को लो प्रेशर एरिया में तब्दील होने की या फिर उसके इंटेंसिफाई होने की संभावना दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से अंडमान निकोबार पे स्ट्रॉन्ग विंड्स और लाइट टू मॉडरेट टू हेवी रेनफॉल भी हो सकती है एक दो जगह। तो ये थी वेदर फोरकास्टिंग ऑल ओवर फॉर ऑल इंडिया 12 मई के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। धन्यवाद।